हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में और आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की शाम की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान में फिर लौट आया है कोरोना। होली पर राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइन आना संभव है। होली पर राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन आ सकती है, ऐसे संकेत सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट में दिए हैं। अपने ताजा ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि चीन में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जब दुनिया भर में कोविड के मामले कम हुए हैं, तब चीन में कोविड केस बढ़ना चिंताजनक है। दो साल पहले कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। केंद्र सरकार को चीन के हालातों को देखकर वहां से आने वालों को लेकर कंट्रोल करने पर विचार करना चाहिए। पहले आए तीन लहरों से सबक लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि होली पर भीड़ भाड़ को देखते हुए गहलोत सरकार कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। याद हो तो अगर कोरोना वायरस आया तो स्कूलों में अब होने वाले बोर्ड एग्जाम भी रद्द हो सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में सोना चांदी समेत 5 बेस कीमती मिनरल की होगी माइनिंग। राजस्थान में सोना चांदी समेत कई बेस कीमती मिनरल के ब्लॉक तैयार कर नीलामी की तैयारी की जा रही है। भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लैंड और जिंक के 5 ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी नीलामी 50 साल में 58,354 करोड़ रुपए की इनकम होने की सरकार को संभावना है। इन ब्लॉक्स को तैयार करने पर ड्रिलिंग्स में तो दूसरे कामों पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। होली से पहले ही राजस्थान में लू के थपेड़े। मार्च का महीना अभी आधा भी नहीं गुजरा और सूरज के तेवर दिखने शुरू कर दिए गए हैं। बाड़मेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गए हैं। वहीं जालौर, जैसलमेर में पारा 39 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग की माने तो होली से पहले पश्चिम राजस्थान के 4 जिलों में लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। जयपुर मौसम विभाग ने 16 और 17 मार्च को जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिले में हीट वेव चलने की आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। जन आधार कार्ड ही होगा राशन कार्ड। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना लाभान्वितों को अब जन आधार कार्ड से ही राशन सामग्री मिल सकेगी। सरकार की बजट घोषणा पर कलेक्टर ने इसकी क्रियान्वित कर दी गई है। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से दिए जाने की बजट घोषणा में घोषणा की थी। इस सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अब राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन लोगों को राशन कार्ड की जगह अब जन आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पिता की मौत पर शादीशुदा बेटी को मिलेगी नौकरी। राजस्थान सरकार ने आज अहम फैसला लिया है। सरकार के बोर्ड या निगम में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की मौत या नौकरी चली जाने पर उसकी शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नौकरी मिल सकेगी। अभी तक इसका प्रावधान नहीं हुआ है। सरकार ने यह निर्णय राजस्थान रोडवेज की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के बाद लिया है। सरकार के इस निर्णय से अब राजस्थान रोडवेज में 35 नियुक्तियां मिलेगी। दोस्तों, ये थी राजस्थान की शाम की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।